हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी आलू बैंगन की सूखी और टेस्टी सब्जी। तो चलिए चलते हैं, पहले सब्जी काट लेती हूँ। आलू बैंगन मैंने काट लिए हैं, अब मैं लहसुन प्याज काट रही हूँ। मेरे पास पतली हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने मोटी काट ली है। दो बड़े टमाटर काट लिए हैं। चलती हैं अब किचन में। आज मैं मसाला पीस के लहसुन प्याज नहीं बनाऊंगी, कटे मसाले की सब्जी बनाऊंगी। मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, फिर जीरा, हींग, कटे हुए प्याज। अब इसको ब्राउन कर लूँगी। प्याज ब्राउन हो गई है, फिर मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी साथ में ही और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फिर मैंने इसमें बैंगन डाल दिए हैं, इसको भी मैं 2-3 मिनट चला करके ढक दूंगी बिना मसाला डाले ही, जब तक मैं धनिया काट लेती हूँ। देख लेती हूँ सब्जी को। आलू और बैंगन काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनमें मसाला डाल दूंगी। मैंने 1 चम्मच हल्दी डाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है और स्वाद अनुसार नमक। अब मसालों को अच्छी तरह मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। मसाले मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ टमाटर और मिर्चा डाल दूंगी और इसको भी 1-2 मिनट तक चलाऊंगी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी पकने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, आलू भी गल गए हैं, सब्जी रेडी है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से। अब मैंने इसमें धनिया डाल दी है। सब्जी हमारी रेडी है, ये देखिए बहुत अच्छी सब्जी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। अब मैं रोटियां भी बना लेती हूँ। रोटियां बन गई हैं मेरी। ये देखिए मैं क्रोसिया का कवर बना रही थी, ये मेरे को मेज़ पे डालना है और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। बड़ा बनेगा तो बड़ा बना दूंगी, नहीं तो छोटा ही रखूंगी। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।